हम में क्या शक्ति है हराने का? पुरानी की महान जनता में शक्ति है, और पिछले बार भी मनोज जी को हराने का काम किया था, और इस बार उससे ज्यादा वोट से जनता मन बनाए हुआ है उनको हराने का। कुर्नी का विकास जो करेगा, कुर्नी के लोगों को जो सम्मान देगा, कुर्नी के गरीब गुरबा के जो साथ रहेगा, कुर्नी की जनता उसको अपना ताज देगा। आप जनता का जो समर्थन देख रहे हैं उससे आप अंदाज कर लीजिए कि हम पिछले बार से कितना ज्यादा वोट से जीत पाएंगे। पूरा एकदम एक तरफा वोट है, एक तरफा सब जगह एक तरफा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर, यहाँ के नरेंद्र मोदी तो यही है, हर सुख दुख हर चीज में हमारे पूर्व विधायक जी जो है घूम रहे हैं, इसलिए हर हाल में बहुत बढ़िया पोजिशन है। 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, कुर्नी लालू और नीतीश के जोड़ी को कोई हरा पाया था तो केदार गुप्ता हरा पाए थे। इस बार बीजेपी ने फिर, पिछले बार आपने लालू और नीतीश की जोड़ी को हरा दिया था यहाँ, इस बार फिर उन्हीं से टक्कर। देखिए हम में क्या शक्ति है हराने का? पुरानी की महान जनता में शक्ति है, और पिछले बार भी मनोज जी को हराने का काम किया था, और इस बार उससे ज्यादा वोट से जनता मन बनाया हुआ है उनको हराने का। क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? विकास है, लोगों का सम्मान है, कुर्नी का विकास जो करेगा, कुर्नी के लोगों को जो सम्मान देगा, कुर्नी के गरीब गुरबा के जो साथ रहेगा, कुर्नी की जनता उसको अपना ताज देगा। एक फोटो वायरल हो रहा है जो प्रत्याशी हैं उनका दारू पीते हुए, या मतलब एक तरह से उसको मॉड पिक्चर कह सकते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी पर हम इतना काम किए हैं, कैसे इसका जवाब आपके? देखिए वो सब पर हम विश्वास नहीं करते हैं, वो सब वायरल किसी का फोटो किसी का शरीर लगा के करता रहता है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा को हम नहीं मानते हैं। यह बात सही है कि बिहार में शराबबंदी फेल, शराबबंदी फेल। एक अंतिम सवाल और है आपसे कि पिछले बार आप मात्र 600 या 700 वोट से हारे थे, इस बार आपको क्या लग रहा है, चुनौती रहेगी या जीत रहेगा? आप जनता का जो समर्थन देख रहे हैं उससे आप अंदाज कर लीजिए कि हम पिछले बार से कितना ज्यादा वोट से जीत पाएंगे। लेकिन सर अभी ऑफिशियल रूप से तो ये हम लोग के पास भी अपडेट नहीं आया कि आपको टिकट मिला है कि नहीं मिला है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं नॉमिनेशन कराने के लिए, अब इससे ज्यादा क्या होता है। लेकिन जो केदार गुप्ता जी हैं, कहना साफ है कि 2015 का जो रिजल्ट था वो फिर से दोहराया जाएगा, और यहाँ उनके समर्थक हैं। क्या आप लोग घूम रहे हैं, क्या लगता है? पूरा घूम रहा है, पूरा विधायक जगह घुमा जाएगा भैया, पूरा एकदम एक तरफा वोट है, एक तरफा सब जगह एक तरफा है, एक तरफा है पूरा भगवा में। एक बार इस बार जी एक बार पूरा नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, यहाँ के नरेंद्र मोदी तो यही है, हर सुख दुख हर चीज में हमारे पूर्व विधायक जी जो है घूम रहे हैं, इसलिए हर हाल में बहुत बढ़िया पोजीशन है। कितना टफ फाइट लग रहा है कि कोई इधर भी कोई कोई फाइट नहीं, कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं। आप लोग को क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा ही बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं इस बार जी। लेकिन उधर भी तो टक्कर है, ऐसा तो नहीं है कि मनोज कुशवाहा जी अच्छा दो बार तीन बार जीते हुए, मनोज कुशवाहा दो बार तीन बार जीते हुए हैं। मनोज कुशवाहा को हराया कौन था? केदार गुप्ता ना, आप देख लीजिए खुद आपको मिल जाएगा कि हाँ केदार गुप्ता क्या कर सकते हैं। उसके बाद केदार गुप्ता को जो मौका मिला 5 साल, तो वो 5 साल क्या कहते हैं, घर में बैठने का नहीं, जनता के बीच में रह के। दो कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन के लिए निकल गए हैं, हालांकि कैंडिडेट जो है वो अपना जा रहे हाथ जोड़ते हुए यहां से मुजफ्फरपुर जाएंगे। साफ कहना है कि जिस तरह 2015 में हराए थे उसी प्रकार जो है हम लोग इस बार फिर से महागठबंधन को हराने का काम करेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।